व्हाट्स अप गाइस, आईसीसी की टी20 रैंकिंग में उलटफेर हो चुका है। वीडियो का टाइटल ये है और न्यूज 24 स्पोर्ट्स चैनल से है, तो देखते हैं क्या कुछ फेरबदल हुआ है। स्काई तो नंबर वन है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ चेंज आया है देखते हैं। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल बनाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। स्काई नंबर वन रहेगा भैया, सालों साल रहेंगे। क्या फॉर्म में है और क्या प्लेयर है, एबीडी जैसे थे ना एबीडी प्लेयर्स, वैसा प्लेयर है बंदा। ना कोई वो ऐसा कि डर से खेलना, ना फिर कोई ऐसा शॉट कि जो खेलना ना आता। तो करते पहले वीडियो एंजॉय, 1 2 3 एंड लेट्स गो। टी20 वर्ल्ड कप में अपनी शानदार फॉर्म की बदौलत सूर्य कुमार यादव एक बार फिर आईसीसी की टी20 रैंकिंग के नंबर एक पायदान पर बने हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि आईसीसी की ताजा रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव ने इतनी लंबी उछाल ले ली है, इतनी लंबी छलांग लगा दी है कि अब शायद उन्हें पछाड़ पाना किसी भी दूसरे बल्लेबाज के लिए निकट भविष्य में तो मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादा पॉइंट्स हो गए। सूर्य कुमार यादव ने टी20 रैंकिंग में अपनी नंबर एक की कुर्सी पर पक्का कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो गेंदबाजों में भी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हर्षदीप सिंह भी रैंकिंग में एक लंबी उछाल लेने में कामयाब हुए हैं। हालांकि नंबर एक गेंदबाज की कुर्सी पर भी उलट फेर हुआ है और गेंदबाज बदल चुका है। तो आखिर इस बार ताजा टी20 रैंकिंग में कौन कौन से बल्लेबाज अपनी जगह बदलने में कामयाब हुए, सूर्य कुमार यादव के बाद दूसरी तीसरी चौथी पायदान पर कौन है, गेंदबाजों में कौन किस पायदान पर दिखाई दे रहा है, टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली ने इस बार रैंकिंग में अपना कितना दबदबा कायम किया है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टी20 वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में अपनी नंबर एक की कुर्सी कायम रखी है, जबकि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में अपने करियर की बेस्ट 23वीं पोजीशन हासिल कर ली है। वहीं टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली आईसीसी के बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में 11वें नंबर पर बने हुए हैं, जबकि केएल राहुल को भी टी20 वर्ल्ड कप में खेली कुछ अच्छी पारियों की बदौलत अपनी रैंकिंग में फायदा मिला है। टी20 वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए 5 मैचों में 200 के करीब स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव 225 रन बना चुके हैं, जिसकी बदौलत अब वो करियर के बेस्ट 869 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर बने हुए हैं। टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान सूर्य कुमार यादव से 39 पॉइंट्स दूर 830 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवॉय तीसरे नंबर पर हैं। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम चौथी पोजीशन पर हैं, 762 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एडन माक्रम अब 748 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पांचवी पोजीशन पर आ गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ ही भारत के पिछले ग्रुप मैच में सूर्य कुमार यादव ने शानदार 25 गेंदों पर 61 रन बनाए थे, जिसकी बदौलत उनको अपनी रैंकिंग में जबरदस्त फायदा मिला है। वहीं टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल भी 5 पोजीशन चढ़कर अब 16वीं पोजीशन पर आ गए हैं। हालांकि विराट कोहली 11वें और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 18वें नंबर पर हैं। टी20 वर्ल्ड कप में जारी टीमों के प्रदर्शन के बाद इस बार टी20 रैंकिंग में गेंदबाजों की रैंकिंग में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा करीब 1 साल बाद फिर से टी20 क्रिकेट में नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं। वानिंदु हसरंगा ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी गेंदबाज से ज्यादा 15 विकेट लिए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में जहां वानिंदु हसरंगा के 704 रेटिंग पॉइंट्स हैं, वहीं राशिद खान 698 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं, जबकि जॉश हेजलवुड 690 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर हैं। तबरेज शमसी चौथे पायदान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जाम्पा पांचवी पोजीशन पर आ गए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में टीम इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार रैंकिंग में चढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल अर्शदीप सिंह को टी20 रैंकिंग में 23वीं पोजीशन मिली है, जबकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी उनसे एक पायदान ऊपर 22वें नंबर पर हैं। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर आर अश्विन भी 5 पोजीशन चढ़कर अब 13वें स्थान पर आ गए हैं। अगर बात करी जाए तो ये रैंकिंग जब भी इंडियन होते हैं ना तो एक प्राउड मोमेंट फील होता है कि नंबर वन रैंकिंग पे इस टाइम पर सूर्य कुमार है। और ये चीज ऐसे नहीं कि दो मैच खेल के, ये पिछले 20 महीने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और इस साल बहुत अच्छा उनके फॉर्म रही है, तो उस वजह से और खासकर वर्ल्ड कप में लगातार ये जो पारियां खेली है बैक टू बैक गजब। और अगर बात करें जाए विराट कोहली काफी टाइम से आउट ऑफ थोड़ा सा वो स्ट्रगलिंग फॉर्म थी, तो इसलिए थोड़े से नीचे चले गए थे, 11 नंबर पर है। मुझे लगता है टॉप 10 या टॉप 5 में बहुत जल्दी आ सकते हैं विराट कोहली। और कौन कौन भाई सूर्य कुमार यादव का फैन है कमेंट कर देना। मेरे इस टाइम में अगर मैं पर्सनली मेरे फेवरेट अगर दो प्लेयर में बताऊं तो विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव, जो जिस कूल काम एंड कंपोज तरीके का, ये मतलब नहीं है कि विराट कोहली बिल्कुल शांत से नहीं, एग्रेशन है नो डाउट उनकी बैटिंग, लेकिन एक मतलब जिस तरीके से बैटिंग करते हैं ऐसी अप्रोच रहती है, अरे भैया ये सिचुएशन ये भी कर लेंगे, मतलब टैकल सिचुएशन को हैंडल करना, लास्ट तक मैच को लेकर जाना और बॉल टू बॉल
गेम को चलाना बहुत अमेजिंग। सूर्य कुमार यादव तो जब आते चलाते नहीं दौड़ाते हैं, वो तो ऐसे कहते हैं भैया देखी जाएगी जो होगा, मैं तो प्लेयर हूँ, सेट होके आया हूँ, पहली गेंद से हम करेंगे हमला, उस तरीके से। आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बतानी इस रैंकिंग से, मैं बिल्कुल अग्री करूँगा। एक तो मुझे ये लगता है कि इसमें ना डेविड कॉनवर जो न्यूजीलैंड के बहुत बेहतरीन प्लेयर है, वो कर सकते हैं नंबर टू पोजीशन पे आ सकते हैं बहुत जल्द। रिजवान को थोड़ा सा, बाबर फोर्थ पे है मुझे लग रहा है, बाबर था वो था बन पे, वो रिजवान था। मुझे लगता है बाबर और रिजवान को पीछे कर सकते हैं कॉनवर अगर वो और अच्छा खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, उनके प्लेयर भी हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव स्काई हैज नो लिमिट नंबर वन पोजीशन हैंडल करते हुए। आप और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो और क्रिकेट रिलेटेड वीडियोज आप इनके चैनल पे देख सकते हैं, उस वीडियो के लिंक के थ्रू। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।